तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अजमेर शरीफ दिवाली का क्या है माहौल, और यहाँ पर जब भी कोई हिंदू मुसलमान का त्यौहार होता है तो ऐसी सजावट होती है। तो आज मैं आपको पूरा माहौल दिखाऊंगा अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीबनाथ की दरगाह का, और यहाँ पर दिवाली कैसे मनाई जाती है। कोई भी त्यौहार हो तो हिंदू मुसलमान मिलके मनाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर है, आप भी देख रहे हैं। तो आज आपको पूरी ज़ियारत कराएंगे और यहाँ का क्या है माहौल वो भी बताएंगे, तो वीडियो कंटिन्यू देखना। तो दोस्तों अभी हम हैं दिल्ली गेट पे, और दिल्ली गेट पे जो सजावट का इंतजाम है ऐसा रखा गया है, ये देखें कितनी प्यारी। ये दीपावली के माहौल पर, दिवाली पर हमेशा ऐसी सजावट होती है, और कोई त्यौहार होता है तो मिलजुल के बनाते हैं माशाल्लाह। अब आपको आगे ले, ये देखें कितनी प्यारी सजावट हुई है माशाल्लाह। हर होटल सजा हुआ मिलेगा, और आपकी बहुत कमेंटें आती हैं अच्छा और सस्ता होटल कहाँ पर है दरगाह शरीफ के पास में, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी वीडियो बना के डाल दूंगा अच्छा और सस्ता होटल कहाँ पर है। तो इस टाइम हम दरगाह बाजार में हैं, और दरगाह बाजार में और ऐसी सजावट हुई है माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। और ये सजावट आपको कब कब देखने के लिए मिलेगी, जैसे कोई हिंदू मुसलमान का त्यौहार होता है तो बहुत मोहब्बत के साथ मनाया जाता है, और ऐसी सजावट होती है माशाल्लाह। ये देखें आज ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं है, आज बंद है दीपावली के माहौल पे, ये देखें आप। और रात में अलग मार्केट लगती है, जब शटर उटर डाउन हो जाते हैं सब मार्केट बंद हो जाती है, तो फुटपाथ पे भी मार्केट लगती है, उस वहाँ से आप सस्ता माल ले सकते हैं, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी। और मैंने इस मार्केट की वीडियो अलग से बना के डाल दी है, कौन सी चीज़ कौन से रेंज में है तो जाके चेक करें, वो लिंक आपको दे दूंगा मैं। और आपको जब भी आएंगे तो आपको जैसे कि दीपावली पे ऐसी सजावट देखने को मिलेगी, और ईद मिलादुन्नबी के पे ऐसी सजावट देखने को मिलेगी, और जब ख्वाजा गरीबनाथ का उर्स होता है जब भी ऐसी सजावट होती है, मतलब हिंदू मुसलमान में कोई त्यौहार होता है तो माशाल्लाह यहाँ पर ऐसी सजावट होती है। ये 10 रुपए में बुंदे मिल जाएंगे यहाँ, और मैंने इसकी पूरी वीडियो बना के डाल दी है कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है किस रेंज में। तो आप जब भी आए तो ज़्यादा रेंज में नहीं ले पाए, इसलिए मैंने बना के डाल दिया है, वो वीडियो भी आप जाके देखें, अभी नहीं देखी हो आपने तो। अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो जहरीन लोग हैं, अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो जहरीन लोग अभी आराम कर रहे हैं होटल में, और अभी मैं आया था थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो देखिए कितना प्यारा मंजर है, आज सारी दुकानें बंद हैं, ये दिवाली के मौके पर जो मोमिन लोगों की दुकानें हैं वो तो हैं थोड़ी बहुत खुली हुई, और सारी दुकानें बंद हैं माशाल्लाह। आज इतनी प्यारी सजावट का इंतजाम रखा गया है। लेके चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर, और दरगाह शरीफ के अंदर का क्या माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। और दरगाह शरीफ पर हर धर्म के लोग आते हैं, और दिवाली के मौके पर ज़्यादातर हिंदू लोग आते माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा मंजर है सुबहानअल्लाह, ये फूल चादर लेके आ रहे हैं दरगाह शरीफ के अंदर पेश करने के लिए, और यहाँ पर कब्बाली होती है हर दिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम। तो सामने देख रहे हैं आप शाहजहानी मस्जिद है, और यहीं पर गुम्मत शरीफ आपको ख्वाजा गरीबनाथ की दरगाह शरीफ पर नजर आ जाएगा। और माशाल्लाह काफ़ी जहरीन लोग आज के दिन दिवाली के मौके पर मौजूद हुए हैं, और हर धर्म के लोग आते हैं सुबहानअल्लाह। और आगे ही चल के यहाँ पर जन्नती दरवाजा है, और आपको जन्नती दरवाजा भी दिखाऊंगा जो साल में 2-3 बार खुलता है। ये देखें यहाँ पर भी प्यारी सजावट हुई है माशाल्लाह। इस टाइम हम शाहजहानी मस्जिद में हैं, सुबहानअल्लाह माशाल्लाह। इरादे लाख बनते हैं बनके टूट जाते हैं, और अजमेर वही आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। ये देखें जन्नती दरवाजा, यहाँ पर मन्नत के आपकी जो भी मन्नत रहती है यहाँ पर धागे बांध के जाता है इंसान। ये देखें सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह।
ये देखें माशाल्लाह फूल चादर अंदर लेके जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे पेश करने के लिए। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने आपके बेटे की मज़ार मुबारक की भी वीडियो डाल दी है, आपके छोटे साहबजादे की दरगाह शरीफ की वीडियो डाल दी है, तो जिसने भी नहीं देखी है वो जाके चेक करें। आपके बेटे की मज़ार मुबारक आपके दरगाह शरीफ के बिल्कुल सामने ही है। और आपके तीन बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे की मज़ार मुबारक की वीडियो आ गई है, और जो बड़े बेटे हैं सलवार शरीफ में उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगी। ये सामने बड़ी देगह जो 450 साल पुरानी है बादशाह अकबर ने दी थी, तो आपको वह भी दिखाने लेते चलते हैं सामने ऊपर। ये देखें यहाँ के खादिम साहब होते हैं सबके गले में धागा बांध रहे हैं, काफी जहरीन लोग आज मौजूद हुए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आपका छोटा भाई ऐसी दरगाह शरीफ की वीडियो लाता रहता है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका छोटा भाई ऐसी मेहनत करता रहता है और दरगाह शरीफ की वीडियो बनाता रहता है। ये है भारत की सबसे बड़ी देग, इसमें पैसे आटा चावल आप जो भी डालना चाहें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा मंदिर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आपके वजह से दूसरा भी इंशाल्लाह वीडियो देख पाए। और जो भी दरगाह शरीफ पे त्योहार होता है या उर्स होता है तो उर्स की भी वीडियो मिल जाती है।